फ्रीडम ऑफ अंडर आर्टिकल 19। But you are denying the right to marriage. What have you done for the 18-year-old? And the woman labor participant force in India is lower than Somalia. Your beti bachao beti padhao 89% fund for US and another 20% for its publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी प्रस्ताव का ऐलान किया था। पीएम ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो। अब इसको लेकर विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आय को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रस्ताव है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने निचले सदन में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इसे पेश किए जाने का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राकंपा, द्रमुक, AIMIM, शिवसेना, RSP, बीजेपी जैसे दलों ने विरोध किया है। विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। विपक्षी दलों ने भी अब इसकी मांग की थी। अब विपक्ष इस विधेयक का क्यों विरोध कर रहा है और सरकार की तरफ से दिए जा रहे तर्क कितने सही हैं, इसी मसले पर आज राष्ट्रधर्म में चर्चा होगी। सभी ऑनरेबल मेंबर प्लीज अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जाइए। मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहती हूं कि हमारे देश में अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी आप जी अभी तो इंट्रोड्यूस ही होना है ना, कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं जी। महिला समानता के दृष्टिकोण से, एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से महिला की विवाह की आयु को बढ़ाने का संकल्प, इस संकल्प के साथ दैट द इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू एज ऑफ मैरिज ऑफ पार्टीज। केवल मूव करिए आप, केवल मूव कीजिए, ओनली मूव करिए। मैं कर रही हूं, क्या मूव कर रही हूं, थोड़ा सा आपकी अनुमति से बोलना चाहती हूं। Relating to age of marriage of parties, such as the Indian Christian Marriage Act 1872, जी, Parsi Marriage Act and Divorce Act 1936, Muslim Personal Law, Sharia Application Act 1937, Special Marriage Act 1954, Hindu Marriage Act 1955, Foreign Marriage Act 1957. नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से, सो आई राइज टू मूव। सर, आई राइज टुडे टू इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। इस बिल पर तमाम विपक्षी सांसद विरोध जता रहे हैं। सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। दिस इज अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ अंडर आर्टिकल 19। An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relationship, the POSCO Act. But you are denying them right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The woman labor participant force in India is lower than Somalia. Your beti bachao beti padhao 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you, sir.
हम ये देखने को मिला कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया। सर हम एक सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि हड़बड़ी में बहुत सारी चीज गड़बड़ी होते हैं। सर हिंदुस्तान में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रहे हैं और इसके साथ साथ ये सरकार अब तक ना किसी स्टेक होल्डर से बातचीत की ना कोई स्टेट से कंसल्ट किए हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये अचानक ये सप्लीमेंटरी लिस्ट में ये बिल को लाया गया। सर एक के बाद एक ये बिल सरकार क्यों ऐसा इस तरीके से लाते हैं ये देखकर मुझे ताजुब होते हैं। ये सरकार की नापाक इरादे साफ हो जाते हैं। सर हमारा मांग है ये बिल स्टैंडिंग कमिटी में तुरंत रेफर किया जाए। There are people who support this bill and there is a lot of opposition to this bill also. The government, except for the women's reservation bill, it doesn't believe in consulting with anybody. So I think it's very important that such an important bill has to be sent to the standing committee or the select committee and they have to review it and ask for opinions in civil society and then bring the bill. This is the second or third time consecutively they aggressively bring in bills and nobody from the opposition is consulted. Whatever is discussed in the business advisory committee is never implemented on the floor of the house. So I first want to condemn this new practice this government is doing. They want a bill, the bill needs to be scrutinized, all stakeholders should be consulted, yes, and then I think we must unanimously pass any reforms if they are got to do with women. Just I please. Think if you are trying to empower people, you must consult all stakeholders and you must send this for detailed more discussions to the standing committee. तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक आज निचले सदन यानी कि लोकसभा में पेश किया जा चुका है। हालांकि हम आपको जानकारी दे दें कि इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप त्रिपाठी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। इनके अलावा कंचन मिश्रा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संदीप त्रिपाठी जी शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे, आपकी पार्टी इस बात का विरोध क्यों कर रही है कि लड़कियों के विवाह की जो उम्र है उसे बढ़ा दिया जाए, परेशानी कहां आ रही है? परेशानी ये है कि शादी की उम्र बढ़ना कोई जो है बात है, आप बढ़ा दीजिए। पहली बात तो शादी आदमी का एक निजी फैसला होता है और वो जिस हिसाब से एक बालिक होने की उम्र अगर आप 18 वर्ष रखते हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि शादी की उम्र 21 होना चाहिए, तो एक कानूनी शिकंजा आप ऐसे लोगों पर कस देना चाहते हैं जो ये चाहते हैं कि लड़कियों की शादी में पहले करके अपने भार से, अपने ऋण से, एक जो जो कन्यादान का ऋण होता है पिता के ऊपर, जो एक संस्कार माना गया है सनातन धर्म में, उसको आप करने की प्रक्रिया में एक बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका नहीं सही है, पहली बात। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की मैं बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर जो है 18 से कम उम्र होनी चाहिए, उसने एक वर्डिक एक जो है दिया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट में एक विषय गया था कि लड़कियों की उम्र जो है 16 मानी जानी चाहिए नाबालिग होने की, तो उसमें बहुत सारे उसके पक्ष गए थे और कोर्ट ने उसको माना नहीं था। लेकिन उसने उसने ये कहा था कि अगर आपत्ति नहीं होती है तो लड़की जो है अगर 16 प्लस की है और वो रिलेशन में रहना चाहती है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कोर्ट का एक वर्डिक है, एक डिसीजन है 2013 की। तो मेरा ये कहना है कि आप जैसा समाज में आप देखिए, जो एक बालिग होने की उम्र है, आज बच्चे या हर एक वो चाहे पुरुष हो या महिला हो या लड़की हो या लड़का हो, जिस प्रकार से बौद्धिक जो उसका जो है विकास तेजी से हो रहा है, तो इस हिसाब से उसको सही और गलत की क्षमता पहले आ जा रही है और उसको आप और बढ़ा रहे हैं, तो ये तरीका थोड़ा आदमी आगे जाने के बजाय और पीछे जाए, तो ये थोड़ा समझ से परे था। इस वजह से इस चीज का विरोध हो रहा है। उसमें एक लॉजिक तो होना चाहिए कि 21 वर्ष क्यों।
अगर 21 वर्ष कर रहे हैं आप तो उसका रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं आप 21 वर्ष? नहीं तो अगर लड़कों की उम्र, संदीप त्रिपाठी जी, अगर लड़कों की उम्र 21 से घटाकर 18 की जाती तो क्या उसमें कांग्रेस पार्टी साथ देती? क्योंकि आपके हिसाब से अब बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता ज्यादा होती है, वो पहले ही परिपक्व होने लगते हैं, तो लड़कों की उम्र भी तो घट जानी चाहिए इस हिसाब से। ये भी तो बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विवाह की उम्र बढ़ाए जाने को लेकर खींचतान लगातार जारी है। इस मसले पर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। संसद में भी जमकर आज बहस इस मसले पर हमें देखने को मिली और हम चर्चा भी आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय सैनी, जो इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अजय जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। कंचन मिश्रा जी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, राजनीति और राजनेताओं को हम छोड़ देते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में उठती बैठती हैं तमाम महिलाओं से आप रोज मिलती होंगी, इस फैसले को लेकर आम जनमानस के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है? देखिए, जो हमारी सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो हमारे हिसाब से और हम जैसी तमाम महिलाओं को मतलब बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि देखिए 18 साल की उम्र तो सरकार ने और कोर्ट के द्वारा था ही कि लड़की बारी हो जाती है, लेकिन जो 21 साल की उम्र उन्होंने करी है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसके लिए हम लोग, हम सभी महिलाएं उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा और सबसे बड़ी बात होती है कि बौद्धिक और शारीरिक मानसिक जो भी है उनके अंदर उसका विकास होगा, उसका उनके पास पर्याप्त समय मिलेगा। जैसा कि अभी हमने एक डिस्कशन की डिबेट सुनी है तो वो थोड़ा सा बहुत चीजें ऐसी बोल रहे थे जिससे हम सक्षम नहीं है, हम उसमें अपना मत जाहिर नहीं करते हैं क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं। 18 साल से 21 साल होना लड़की में अपने आप में वो एक तरह से उसके अंदर बौद्धिक विकास हो गया और साथ ही में 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है या उससे कम उम्र शादी होती है तो सबसे ज्यादा लड़कियों को ही कहना पड़ता है क्योंकि कम उम्र में उनकी शादी होती है और उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, इसमें उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मृत्यु दर बढ़ती है, साथ ही अगर लड़कियां कमजोर होती हैं, शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है तो उनकी मृत्यु दर भी बढ़ती आई है क्योंकि ये इतिहास गवाह है। तो हम जो है बहुत ज्यादा इस निर्णय से खुश हैं कि लड़कियों की उम्र 21 साल हो गई है, उनको अपने आप को समझने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि वो उनको पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा और कुछ वो अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगी क्योंकि शादी के बाद बहुत जगह ऐसा होता है कि ससुराल में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं बनता है और उनके अंदर की जो कुशलता है और उनके अंदर की जो योग्यता है वो दब के रह जाती है। तो हम इस चीज में बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और चाहेंगे कि ये अच्छा होना चाहिए कि 21 साल हो गई है और अपने पैर पे खड़ी हो सकती है। ठीक है अजय सैनी जी, एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम, सराहनीय पहल, लेकिन इस फैसले का भी विरोध, यानी कि इसे विरोध करने के लिए अब विरोध हो रहा है। पल्लवी जी देखो, मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद कांग्रेस का एक ही काम है, वो है सिर्फ विरोध करना। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि समाज की भलाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार कितनी सजग है हर चीज को लेके। अगर आज जो 18 से 21 वर्ष की उम्र की गई है तो इन्हें क्या, इसमें दिक्कत क्या है? इनको तो इनका स्वागत करना चाहिए कि सरकार ने इतनी अच्छी पहल की है, लेकिन इनको सिर्फ विरोध करना है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये अपने विरोध, ये सिर्फ अच्छी बात का विरोध कर क्यों जरूरी है? अगर कोई ऐसे कोई गलत कदम उठाया जा रहा है कि किसी भी फैसले में सरकार चर्चा नहीं करती है, सरकार कोई विधेयक ला रही है, कोई बिल ला रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अधीर रंजन चौधरी ये सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल का उत्तर हम आपसे लेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
What have you done for the 18-year-old? And the woman labor participant force in India is lower than Somalia. Your beti bachao, beti padao, 89% funds were given to another party for its publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए अजय सैनी जी, अधीर रंजन चौधरी का ये सवाल कि किसी तरह का कोई भी डिस्कशन किया ही नहीं जाता और ऐसे ही विधेयक लाके खड़े कर दिए जाते हैं, और उसके अलावा ये सबसे बड़ा सवाल ओवैसी ने पूछा है कि अब तक आपने 18 साल की उम्र की लड़कियों के लिए किया क्या जो अब आप शादी की उम्र बढ़ा रहे हैं? कि मेरे काबिल साथी परेशानी क्या है 18 से 21 साल की उम्र में, अगर किसी भी बालिका का बौद्धिक शारीरिक मानसिक विकास हो जाए तो वो अपने जीवन के लिए उचित निर्णय ले पाएगी, इसमें इन्हें क्या परेशानी है। और रही बात कि संसद में ऐसी कोई भी विधेयक पास नहीं हुआ था, उससे पहले चर्चा होती है, बहस होती है, उसके बाद वो जाके कहीं पारित होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही हाले आला कमान ने अपना लिखित दे दिया और वो पास हो गया, तो वो बहस के बाद ही पास होता है। तो मिश्रा जी को शायद इस चीज का पता है या ये ना समझ बन रहे हैं वो जानबूझ के। मुझे इनकी परेशानी समझ में नहीं आती कि अगर किसी महिलाओं का विकास के लिए अगर सरकार आगे आ रही है, वो सजग है, तो इन्हें क्या परेशानी है? मैडम जरा इनसे पूछो कि इन्हें परेशानी किस चीज से है। उनकी परेशानी तो मैं पूछ लूंगी, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर। ओवैसी ने सवाल किया है कि अभी तक आपने महिलाओं के लिए किया क्या, 18 साल की उम्र की लड़कियों के लिए आपने क्या किया, इसका तो जवाब दे, उसके बाद मैं जाऊंगी संदीप त्रिपाठी जी के पास। 18 साल अगर मैं आप ही ने अभी आपने बोला कि 18 साल की लड़कियों ने क्या किया, तो लड़कियों ने क्या किया? नहीं सर, लड़कियों के लिए क्या किया आप पल्लवी जी? मैं वही बता रहा हूँ कि 18 साल की जो लड़कियां अब तक सरकार ने क्या किया, तो पहला काम तो आपने ही खुद बता दिया कि 18 से 21 साल की जो एज कर रही हैं उससे क्या है, उससे वो अच्छी एजुकेशन ले सकती हैं, शिक्षा ले सकती हैं। उनके पास हम सब पॉलिटिकल जितनी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं, अब मेट्रो सिटी में तो सबको जितनी भी बालिकाएं हैं सबको टाइम मिलता है पढ़ने का, माँ बाप सजग है इतने वो पढ़ पाती हैं। लेकिन आप जितने भी रूरल एरिया में चले जाइए वहाँ क्या होता है, वहाँ जितने भी वो सोचते हैं कि 18 साल से लड़की हो जाए शादी कर दें, क्या उसको पूरा मौका दिया जाता है? उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि घर वाले उसकी शादी के लिए पहले लग जाते हैं, तो वो अच्छी एजुकेशन ही जब तक उसे नहीं मिलेगी तो अच्छी कहीं जॉब नहीं कर पाएगी समाज में कहीं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं मैडम, आपकी भी एजुकेशन हुई ना, अगर 18 साल की उम्र में आपको शादी कर जाती तो आज क्या आज यहाँ आप होती? मैं एक छोटी सी आपसे ही बात ले रहा हूँ, बताइए आप एजुकेशन अच्छी लेके तो आज बैठी हुई है। तो सरकार इसमें पहल कर रही है तो इसमें पता नहीं क्यों परेशानी है लोगों को। कोई भी काम है सिर्फ इन्हें विरोध कर रहा है, और कांग्रेस का काम तो आज बताइए सिर्फ एक विरोध करना है, क्योंकि और इनके पास आज का कुछ काम दूसरा बता ही नहीं है, और ना ही दूसरा कोई काम है, इन्हें सिर्फ विरोध करना है। संदीप त्रिपाठी जी देखिए, पहली बात तो हमारे मंत्री को पता नहीं है कि बिल पर चर्चा हुई ही नहीं है, बिना चर्चा के बिल पास हुआ है ये हमारे मित्र को पता नहीं है, अजय सैनी जी को पहले बता दीजिए। और यही बात हमारे विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं पहली बात, और दूसरी बात अगर आपको ये लग रहा है कि 18 से 21 की जब आप बात करते हैं, आप 18 जो 21 कर दीजिए चलिए ठीक है, जो एजुकेटेड है 90% स्नातक लोगों को नौकरी आपने दे पा रहे हो, आप बात क्या कर रहे हो, मतलब एजुकेशन करके करेगा क्या, उसके लिए कर क्या रहे हो? लड़की 18 से 21 आपको परेशानी क्या है, आपको क्या परेशानी? एक सेकंड एक एक करके बात करेंगे। संदीप त्रिपाठी जी, आपने बोला कि रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो पढ़ के करेंगे क्या, तो मतलब शादी कर लें, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि चलिए हमें रोजगार तो मिल नहीं रहा है तो 18 साल की उम्र में शादी, 19 साल की उम्र में बच्चे? नहीं नहीं, मैं पल्लवी जी इसका जवाब देता हूँ, हमारे हम अजय सैनी जी ने एक सवाल उठाया मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए, शादी आदमी का निजी विषय है, अगर 18 साल में वो अबालिक हो जाता है तो वो अबालिक 18 साल में होकर अगर वोट कर सकता है और सब कुछ कर सकता है, हर एक चीज के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, तो शादी क्यों नहीं कर सकता है? पहली चीज, अगर आप ये कहेंगे कि 18 पुरुष की 21 है 18 महिला की क्यों, तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, बाल विवाह अधिनियम की धारा 6 में एक प्रोविजन है जिस जो ये कहता है कि अगर कोई बालिग महिला, ध्यान से सुनिएगा, बालिग महिला
अगर नाबालिग पुरुष से शादी कर लेती है तो उसको कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर बालिग पुरुष किसी 18 साल के नीचे की महिला से शादी कर लेता है तो 2 साल की सजा और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना है। अब आप बताइए मुझे पल्लवी जी, अगर 18 साल की लड़की शादी करना चाहती है तो क्या वो 3 साल इंतजार करे? बहुत सारे प्रेम प्रसंग, अभी देखिए एक प्रकरण गया था, 19 साल के लड़के सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि शादी करना चाहते हैं, उनको 2 साल इंतजार करना पड़ा लड़के की बालिग उम्र के लिए। अगर वो लड़की लड़की अगर चाहती लड़के से शादी करना तो कर सकती थी। तो बड़ी समस्या ये चीज इस चीज की है, अगर पुरुष को 3 वर्ष दिए जाते हैं तो ये सच्चाई है आप देश की कि जब महिला शादी करके आती है तो वो डिपेंड मोस्टली अगर होती है तो वो पुरुष पर होती है, ये सच्चाई है। देखिए इसमें कांग्रेस भाजपा या किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ। इसमें बदलाव होना चाहिए, बदलाव कैसे होगा, उसके लिए कदम क्या उठने चाहिए, कैसे होगा मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया 33% आरक्षण, आज कितनी महिलाएं सरपंच है वो उठकर खड़ी हो रही हैं। 33% आरक्षण का बिल आज कितने साल से उसी सदन में पड़ा है जिसपे अगर आप अधिकार देंगे तो महिलाएं ज्यादा चुन के आएंगी और महिलाओं के लिए कानून बनेंगे, महिलाओं की बात होगी। आपकी महिला विरोधी सोच हुआ बिल पास नहीं होने देती है, लेकिन महिला जनरेशन जो आबादी है उसको कम करने का एक तरीका अगर आप ये सोच रहे हैं तो उससे कितनी बड़ी डिफिकल्टीज आएंगी समाज में, कितनी बड़ी दिक्कतें आएंगी, इस बात को आप समझिए। जब 18 साल की लड़की शादी करना चाहे तब भी नहीं कर सकती है, वो 3 साल इंतजार करे, मान लीजिए उसे नहीं पढ़ना, उसे शादी करनी है, उसे फैमिली हाउसवाइफ बनना है, उसके लिए क्या सनक छोड़ रहे हैं? चलिए, आपकी इतनी सारी बातों में बहुत सारी चीजें ऐसे निकल कर आई जो खुद ही उलझन में मैं खुद फंस गई हूँ। सर, आपसे मैं कई सवाल लेना चाहती हूँ, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। Women labor participant force in India is lower than Somalia. Your beti bachao beti padhao 89% fund for US Canada for its publicity. This is retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल तो यह है कि परिपक्वता का पैमाना क्या है? मताधिकार परिपक्वता का पैमाना है या फिर शारीरिक बौद्धिक विकास और शादी? देखिए, अभी आपने कहा कि पैमाना क्या है, तो जैसे भी हमने बताया कि 18 साल चाहे चिकित्सीय रूप से हो या हर एक रूप से रो या और भी कोई बहुत सारे पूरे विश्व में देश हैं, अगर सबका आप अभी आकलन करेंगे तो कोई ऐसा देश नहीं है जो 18 से नीचे ही, बहुत सारे देश तो 18 से नीचे आज भी परमिट करते हैं और बड़े बड़े देश जो कि हैं वो परमिट करते हैं। दूसरी बात, अगर आप पुरुष और महिला की बात आप करेंगे तो ये डिफरेंस गॉड गिफ्टेड है कुछ चीजों में। मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी आप समझिए, साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं। महिलाओं क्यों विरोध कर रहे हैं, इनकी मानसिकता करने की क्षमता कितनी उम्र में खत्म हो जाती है और पुरुष में कब तक रहती है, इसमें डिफरेंस है। अब आप बताइए इसको आप बराबर कर देंगे, कौन से कानून से बराबर करेंगे, ये नहीं हो सकता। परिपक्वता का पैमाना क्या सर? मैं अभी भी, मुझे मेरा जवाब नहीं मिला, आप बता दीजिए ना सीधे सीधे कि शादी परिपक्वता का पैमाना है या तो ये कह दीजिए। और आप जो आप जो कह रहे हैं कि और देशों में क्या हमारे जैसी कुपोषण की स्थिति है, शिशु मृत्यु दर जो हमारे यहाँ पर पाई जाती है, क्या आपने उसका आकलन दूसरे देशों से किया? मातृ मृत्यु दर का आकलन क्या आपने हमारे देश का दूसरे देशों के साथ किया? ये समस्याएं और कौन कौन से देशों में है वो भी मुझे बताइए और आकलन करके बताइएगा कि बुरी स्थिति किस देश की है। देखिए,
बिल्कुल भारत जो आप बता रही हैं बिल्कुल इसमें भारत की स्थिति खराब है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भाजपा की वजह से खराब है। पल्लवी सुन लीजिए, देखिए हम ये राजनीतिक विषय से ज्यादा सामाजिक विषय है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का आशय आप समझिए, मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि सरकार को चाहिए कि महिलाओं को मौका दे, सुविधा दे, जिस प्रकार से सब्सिडी के माध्यम से, सब्सिडी कोई ये चीज नहीं होती है, या जो आरक्षण जो दिया जाता है वो भीख नहीं दी जाती, वो आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। वो अवसर आप दीजिए महिलाओं को। जब आप ये चीजें देंगे तो जो फैमिली, जो भी पिता होगा, जो भी बच्ची होगी, जो लड़की होगी, वो खुद ही अपने आप, अगर उसको लगेगा तो 21, 25, 30 साल, 35 साल बाद महिलाएं शादी कर रही है। ये मैं कह रहा हूं कि ये महिलाओं को आजादी होनी चाहिए, मेरा कहने का आशय आप समझिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं को इस चीज की आजादी होनी चाहिए कि वो अगर उनके अधिकार को आप क्यों छीन रहे हैं। अगर कोई महिला करना चाहती है शादी तो उसको आप मना नहीं कर सकते, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है। लेकिन अगर कोई 25 करती है अच्छी बात है, लेकिन ऐसा माहौल तो क्रिएट करिए आप, जो पढ़ना नहीं चाहती, कई ऐसी लड़कियां हैं जो शादी करना चाहती हैं। तो मुझे ये बताइए, जब समाज में एक तबका बिना जागरूकता वाला ऐसा है कि जिन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें हमें जागरूक करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई के क्या फायदे हैं, आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं, या फिर उन्हें शादी के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप शादी कर लीजिए। अगर आप ये करना चाहती हैं, पढ़ाई लिखाई को आप चूल्हे में डालिए और उसके बाद जाकर शादी कर लीजिए। देखिए पहली बात तो पल्लवी जी, मैं कितनी महिलाओं को बता सकता हूँ, अभी पिछले दिनों आईएएस का रिजल्ट निकला और उसमें कम से कम 20 ऐसी महिलाएं थी जो शादी के बाद आईएएस बनी थी। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, और उनके एक एक दो दो बच्चे भी। पहली बात ये समझिए कि शादी, ये आप कह दीजिए कि और औरोदक है, तो ये पैमाना सही नहीं है। आप अगर आज जिस तरीके से किया जाता है कि मोदी जी शादी नहीं किए हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, योगी जी हैं तो ईमानदार रहेंगे, तो चंबल के डाकू किसके लिए लूट करते थे, ये चीजें जो एक क्रिएट की जा रही है, शादी ऐसा लगता है कि जैसे शादी के बाद सब कुछ खराब हो जाता है। बिल्कुल नहीं, शादी संस्कार है, इससे जीवन चलता है, जीवन चलाने की प्रक्रिया और प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, उसको आप हे दृश्य मत देखिए, वो बहुत जरूरी चीज है। और समाज और जीवन को संसार चलने के लिए, दुनिया चलने के लिए वो अति आवश्यक चीज है। लेकिन मेरा कहने का आशय ये है कि महिलाओं की स्थिति को आप सुधार करना चाहते हैं तो उनकी शादी की उम्र बढ़ाने से ये सुधार नहीं होगा, उसके लिए आपको उनको आरक्षण देना होगा, उनको सुविधाएं स्पेशल देनी पड़ेगी, एक लड़कों से अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी अलग से, उसके लिए कांग्रेस ने काम किया है। अगर हमने कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाया तो महिलाओं के लिए बनाया, उसमें 12 वर्ष तक की लड़कियों को हम शिक्षा देते हैं निशुल्क, खाना रहना सब कुछ फ्री। तो ये ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिससे महिलाओं का उत्थान हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करके आप सोचते हैं कि उससे सब कुछ बदल जाएगा, इससे नहीं बदलने वाला है। और जो मेन विरोध है वो चर्चा होना चाहिए, और जो मैंने बातें रखी वो सामाजिक परिवेश में रखी, राजनीतिक बातें मैंने नहीं की। राजनीतिक बात मैं करता तो बहुत कुछ दूसरा कुछ बोल सकता था, जैसे मैंने सारे तथ्य रखे वो समाज के रखे, जो समाज के बीच की बातें हैं, और जो राजनीतिक बात या समाज के लिए अगर बात है तो महिलाओं का उत्थान के लिए सरकार को क्या किया ये बता दीजिए। भाजपा के हमारे मित्र बैठे हैं अजय सैनी जी, तीन काम बता दीजिए कि आप महिलाओं को उत्थान के लिए ये काम किए। अजय सैनी का ही रुख कर लेते हैं। अजय सैनी जी, 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाबत घोषणा की थी तो जो बड़ा रीजन, जो महत्वपूर्ण कारण बताया था वो ये था कि एक तो शिशु मृत्यु दर कम करनी है और बच्चे और माँ के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर ये शादी की उम्र बढ़ाई गई। लेकिन हकीकत तो ये है कि सर, अभी जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं कुपोषण और गरीबी की वजह से है, इसमें शादी बड़ा फैक्टर कैसे हो गया? मैडम, जहां तक आप पल्लवी जी स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, तो कोरोना के अंदर इंडिया पहला देश है जो लार्ज स्केल पर सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये मेरे वाजिब जो सही हंस रहे हैं वैसे इस बात पे, तो इनको गर्व करना चाहिए कि हमारा एक ऐसा देश है जो कि वैक्सीनेशन। अरे सर, ये तो मुद्दा ही अलग है, मैं जच्चा बच्चा की बात कर रही हूँ, मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रही हूँ, आप वैक्सीनेशन बीच में ला रहे हैं। बात कर रहा हूँ दूसरा, जो इक्वलिटी की हमारे देश में बात होती है, अगर 18 से 21 अगर जेंट्स की 21 है तो लेडीज की भी 21 हो जाएगी, तो क्या इशू है?
मुझे इशू नहीं है, मैं मेरा सवाल समझिए अजय जी। देखिए मुझे मुझे ये कतई पसंद नहीं है कि बातें इधर से उधर गोलमोल करके जवाब दिया जाए। मैं सीधा सीधा ये पूछ रही हूँ कि अगर माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं लग रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण तो गरीबी और कुपोषण है ना सर, उसे मिटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या शादी की उम्र 18 से 21 साल करने से गरीबी और कुपोषित जो ये समस्या है वो खत्म हो जाएगी? आप इसका जवाब दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Women labor participant force in India is lower than Somalia. Your beti bachao beti padhao 89% for US banana for its publicity. This retrograde step, this should be taken back. This is against the 18-year-old. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बताएं अजय सैनी जी। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बताएं बताएं सर। मेरा सवाल वही है जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था कि युवा माताओं और शिशुओं को जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है उसका मूल कारण गरीबी और कुपोषण है। मैं आपको बताना चाहूंगा पल्लवी जी, मिश्रा जी भी आप भी सुन लीजिए, जो ये 18 से 21 की आयु की है उससे क्या होगा मैं उसका बताता हूँ। उसमें आपका जवाब, आपका जो जवाब पूछा वही मिलेगा। 18 से 21 अगर एजुकेशन अच्छी होगी, शिक्षित होगा कोई भी बच्चा, तो अच्छी जॉब करेगा, करेगा या नहीं करेगा? आप मिश्रा जी से पूछे, जब बच्चा शिक्षित होगा अच्छी जॉब करेगा तो उसकी अरे यार मिश्रा जी सुन लो, आप क्या, आप राजस्थान में आपकी सरकार है ठीक है ना, राजस्थान में आपकी सरकार है, क्या कर रहे थे, बाल विवाह कानून लेके आ रहे थे आप वहाँ, उल्टा जितने साल आप बात कर रहे हैं शादी को लेकर गुजर हुआ आपसे, शादी करवा दो शादी लड़कियों को, क्यों एजुकेशन नहीं देनी? एजुकेशन से देश शिक्षित नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश का आर्थिक विकास नहीं होगा, क्या चाहते नहीं हो आप? आप बात कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए देश ने क्या किया, मैम 2014 के अंदर पीएचडी के अंदर 43% रिजर्वेशन था, इसको 43 कर दिया है, 40 से 43। बेटी पढ़ाओ बेटी, हेलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आवाज है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? कि गरीबी भी हटेगी, देश भी शिक्षित होगा, लेकिन कांग्रेस चाहती नहीं है, ये चाहती है कि जितनी भी बालिकाएं हैं देश में अशिक्षित रहे, बस विवाह कर लें। मिश्रा जी तो इसी चीज के पीछे पड़े हुए, विवाह कर लें वो शिक्षित ना हो जाए, जो कि वो देखे देश में क्या अच्छा है क्या बुरा है, विवाह के पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं। अरे इक्वलिटी दे रही है सरकार, 21-21 कर रही है उम्र दोनों की बराबर, तो क्या दिक्कत है? कभी तो कहते हैं इक्वलिटी नहीं है, अब ये कहते हैं कि भगवान ने दिया है। अभी इनके आपने इनके बड़ी सुनी थी कि भगवान ने दिया है कि लेडीज और जेंट्स अलग अलग है। अरे आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या सोच रहे हो? देश को बढ़ने दो आगे, कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छा फैसला है, कोई स्वागत करो, लेकिन सिर्फ आपको विरोध करना है। उनके विरोध से मुझे कोई लेना देना नहीं है सर। देखिए आपने जो ये फैसला किया है वो निश्चित ही रूप से बहुत सराहनीय है हमारे लिए, एक महिला होने के नाते मैं कहूँ तो ठीक है सराहनीय है, लेकिन स्टिल मेरा क्वेश्चन वही है कि जो कुपोषण हमारे देश में इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है और हालिया जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो और हमारी स्थिति खराब हो गई, तो उम्र घटाने या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो गरीबी और कुपोषण हटाना होना चाहिए, तो आपके जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। मैम 2017 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री योजना, उसके अंदर था योजना जो प्रधानमंत्री मातृ योजना, उसके अंदर ये था कि जितनी भी जच्चा और बच्चा दोनों के लिए जितना भी इनका खर्च आएगा अगर वो सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट उसको बेयर करेगा। तो शायद पता नहीं, इनको नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन हर चीज में टाइम लगता है, एक दिन में एक चीज नहीं बदल जाती, लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ विरोध कर रहे हैं हर चीज का। अगर सरकार कोई सही काम कर रही है तो उसको अच्छा करो, उसको सराहो, ना कि विरोध करो। ठीक है कंचन जी, आवाज मिल रही है आपको? कंचन मिश्रा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कंचन जी मेरी आवाज मिल रही है मैम आपको? हेलो कंचन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। कंचन जी बड़ा सवाल ये है कि अक्सर देखने में आता है कि जब शिशु मृत्यु दर बढ़ती है या फिर जच्चा बच्चा स्वस्थ नहीं होते हैं तो जो
मुख्य कारण ये होता है कि वो स्वास्थ्य संबंधी, हमारे यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाती हैं क्योंकि गरीबी इतनी है। अगर हम ज़्यादातर पिछड़े इलाकों में जाएं तो वहाँ महिलाएं इतनी गरीबी में जी रही हैं कि दो टाइम का भोजन भी उनको नहीं पर्याप्त मिल पाता है। तो अभी ज़रूरत क्या महसूस हो रही है कि इस गरीबी और कुपोषण को हटाया जाए, या शादी की उम्र घटाने और बढ़ाने से इस समस्या से हम निजात पा पाएंगे? नहीं देखिए, शादी की जो तारीख, जो उनकी उम्र बढ़ी है, वो तो अपने आप में एक अहम फैसला है, अच्छा है, और ये कार्यकारी फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कुपोषण की, तो कुपोषण के लिए भी, क्योंकि एक हम समाज सेविका है, हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, फिर भी जैसे की वात्सल्य योजना के तहत में बच्चों को पुष्पाहार वितरित किए जा रहे हैं, तो ये अलग बात है कि कुछ लोग जागरूकता के अभाव में इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं जाते हैं उस पुष्पाहार योजना के बारे में लोग बताते हैं। तो अब सरकार, जब लड़की बच्चा पेट में आते ही सरकार उनके खाते में पैसा भेज रही है कि वो अपना आराम से पुष्पाहार ले, और उनको समय समय पे आशा बहु आंगनबाड़ी, ये है दलिया है, पंजीरी है, या जो भी फल है, और वीकली ये सब उनका रोस्टर तैयार है कि उनको वो सब्जी मिल जाए। और हाँ, इसमें ये है कि अगर लड़कियों की उम्र बढ़ रही है तो और पढ़ सकती है, और उसके लिए उनके लिए स्किल की भी योजना है, प्रधानमंत्री स्किल योजना के तहत में उनको तमाम जो है जॉब के लिए भी बारे में पता चलेगा। तो अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, जो सरकार के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, ये आंकड़े गलत हैं। अगर हम सब लोगों की मान लें तो इस हिसाब से तो देश में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। तो ये कौन से आंकड़े हर बार रिलीज हो जाते हैं जो ये बताते हैं कि कुपोषण के मामले में हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, ये भी तो समझना बेहद जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Women labor participant force in India is lower than Somalia. Your beti bachao beti padhao 89% chance for US banana for its publicity. This retrogressive step, this should be taken back. This is against the 18-year-old. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन मिश्रा जी, आपकी तमाम बातों से मैं सहमत भी हो जाऊं, लेकिन आंकड़े बहुत डरावने हैं, और उन आंकड़ों पर अगर विश्वास किया जाए तो जमीनी हकीकत जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो कहीं से भी तार्किक नहीं लगती। देखिए, आंकड़े साफ कहते हैं कि भारत में 15 से 19 साल के बीच 47% लड़कियां ऐसी हैं जिनका सामान्य से भी कम वजन है। इसके अलावा 56% महिलाएं ऐसी हैं जो रक्तहीनता से पीड़ित हैं। तो ये कौन से आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए हैं जहाँ पर दलिया मिल जाता है और सारी चीजें मिल जाती हैं? नहीं देखिए, अब अगर विरोध करने के लिए तो सभी विरोध किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैं क्यों विरोध करूंगी कंचन जी, मैं क्यों विरोध करने लगी? देखिए, जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम अपने यहाँ एरिया की बात कर सकते हैं, यहाँ बहुत से जहाँ भी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई है और आशा बहुएं हैं, ये सब समय समय पर जाती हैं। अगर बच्चा पेट में है तो उनको इंजेक्शन भी लग रहा है, उनको सामान भी वितरित हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बहुत ज्यादा कोई उसमें नहीं है कि नहीं हम सबकी तारीफ ही करते जाएं, आंख मुंह की विश्वास करते जाएं, लेकिन हाँ ऐसा है, कहीं कहीं पे है तो उसका सही से वितरित नहीं हो रहा है राशन, और कहीं कहीं है तो जहाँ अच्छे से काम हो रहा है वहाँ की महिलाएं और वहाँ की स्थिति अच्छी है। ये बात अलग बात है कि हाँ बहुत सी यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं कुपोषित है। देखिए, अपने यहाँ अभी तक दो चीज थी, एक था कि कम उम्र में शादी होकर बच्चा जब पैदा हो रहा है तो कुपोषित हो रहा है, और दूसरी बात गरीबी आ रही है। हम ये चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने जब ये अहम फैसला लिया है कि उम्र बढ़ा दी है 18 से 21 कर दी है, तो कुपोषण से बचाव के लिए एक ऐसा फैसला लें कि जो वाकई में बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, और जो वाकई में निडी है उन तक ये फैसला, वो योजना पहुंचे कि ये कुपोषण बच जाए, ये हम चाहेंगे। और शिक्षा के अभाव में, मोस्टली शिक्षा के अभाव में भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, जो जनसंख्या अगर 21 साल होगी तो जनसंख्या नियंत्रण भी होगा, और लड़कियों को जब शिक्षित होगी तो
अपने आप उनको मालूम होगा कि हम लोग कुपोषित कहाँ से क्या है, वो लोग भी अपना बचाव करेंगे और सरकार योजना का लाभ दे और ये ग्रास रूट पे जाए, ऐसा नहीं कि बीच का बंदर बात हो जाए, योजना जा रही है ग्रास रूट पर, रजिस्टर में कुछ और मेंटेन हो रहा है, आकर कुछ और बता रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, देखिए त्रिपाठी जी बात यही है कि जनसंख्या नियंत्रण से इस फैसले को सीधे सीधे जोड़कर देखा जाए और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है और जैसा कि कंचन मिश्रा जी ने ये बात कही भी कि शिक्षित और जागरूकता लाना ये बेहद जरूरी है। अब ऐसे में आपकी बात को कैसे मान लिया जाए कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो करवा दो? नहीं, कंचन जी आपसे नहीं, मुझे संदीप त्रिपाठी जी से मेरा ये सवाल है। हेलो, की बात कर रही है, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत सारी चीजें होनी चाहिए और उस पे काम करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है और पिछली सरकारों ने बहुत कुछ किया भी है उसके लिए, जो है नसबंदी से लेकर बहुत सारे कार्यक्रम चले, लेकिन हमने ये कहा कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर है। आप समझिए, कांग्रेस जब एक ट्रेन बनाती है तो उसमें एक जनरल बोगी रखती है, स्लीपर रखती है और थर्ड एसी रखती है, सेकेंड एसी रखती है और फर्स्ट एसी रखती है, मतलब आप जिसमें चलना चाहें उसमें चल सकते हैं और यात्रा करते रहे। भाजपा की सोच क्या है, भाजपा और कांग्रेस का अंतर मैं बताता हूं, तो भाजपा सिर्फ बताती है एसी का, एसी चेयर कार, एसी ट्रेन, मतलब उसमें जनरल वालों के लिए जगह नहीं होगी, स्लीपर वालों के लिए जगह नहीं होगी, थर्ड एसी वालों के लिए जगह नहीं होगी, मतलब विकल्प की हीनता, जैसे एक चीज हिटलर शाही और थोपना कहते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, इसकी जगह नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, आजादी होनी चाहिए, जो जिसकी बात हमारे विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी परिस्थिति पैदा करिए 21 नई महिलाएं 25 वर्ष के बाद या 30 के बाद शादी करें और वो जब उनकी मर्जी हो तब करे, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए आप साथ देंगे या नहीं? आप और आपकी पार्टी तो लगातार यही कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र सही है, अब ये बताइए कि आजादी कैसे दी जाए और आजादी का मतलब क्या हर फैसले का विरोध करना है? त्रिपाठी जी, जी मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। पल्लवी जी, आप एक आंकड़ा उठाकर देखिए, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, अगली डिबेट में मैं वो आंकड़ा भी रखूंगा और ये एक जेन्युइन विषय और मैं रख रहा हूँ। बहुत सारी महिलाएं जो शादी करना चाहती हैं और 18 वर्ष की तक नहीं रहती हैं, तो उनको एक जाकर बाल सुधार गृह में या ऐसे किसी स्थान पर रहना पड़ता है जिसे जेल कह सकते हैं, उनको तब तक रहना पड़ता है जब तक उनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती, क्योंकि वो ना माँ बाप के यहाँ जाना चाहती है और ना लड़के वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको तब तक बाहर रहना पड़ता है जब तक उनकी एज 18 वर्ष नहीं हो जाती है और लड़का जेल में रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आप जेल भर देंगे? क्या आप चाहते हैं कि लड़के लड़कियां जेल से भर जाए? ऐसी परिस्थितियों में उम्मीद की जाती है कि पूरा देश मिलकर जागरूकता फैलाए, ऐसी परिस्थितियों में ये उम्मीद की जाती है कि राजनेता जागरूकता फैलाएं कि शादी की सही उम्र क्या है, पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, रोजगार पाना कितना जरूरी है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये जागरूकता फैलाना जरूरी है। ये नहीं सोचना है कि अभी हमने शादी की उम्र बढ़ा दी तो चलिए तो बहुत गलत हो गया, 18 साल सही है और शादी कर देनी चाहिए, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ ना सर। आप खुद ही कह रहे हैं कि लड़कियां जो है लड़कों पर निर्भर होती हैं, तो 19 साल में कौन सा लड़का एक गृहस्थ जीवन को संभालने के लिए सही हो जाता है या परिपक्व हो जाता है? ये भी तो आप समझिए ना, आप अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं, दोनों की परिपक्वता जरूरी है। 21 वर्ष। चलिए ठीक है, समय की कमी है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है और इस चर्चा को भी यही विराम देना पड़ रहा है। तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर इस समय विवाद चढ़ा हुआ है और परिपक्वता का पैमाना मताधिकार से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि इस विधेयक पर आने वाले समय में और कितनी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और आखिरकार क्या ये विधेयक पास हो पाता है या फिर नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। What can be done for the 18-year-old?
the woman labor participant force in India is lower than Somalia. Your beti bacha, beti pada, 89% This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old